9 अक्टूबर को भारत माता शक्ति सम्मान समारोह सामाजिक सरोकार परिवार पेश करने जा रहा है, जो सामाजिक सरोकार परिवार का तीसरा शक्ति सम्मान समारोह होगा। इसमें इसके अंदर 10वीं और 12वीं क्लास के जो छात्र है या छात्राएं हैं, वे सामाजिक सरोकार परिवार उनको जो है सम्मानित कर रहा है, वो कोई सरकारी स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से हो। और साथ में जो टीचर है जिनकी क्लास का जो है रिजल्ट 80% रहा है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा। तो ये तीसरा शक्ति सम्मान समारोह है। इसमें जो है 2700 बच्चे जो है सम्मानित किए जाएंगे और 2700 उनके अभिभावक, 800 टीचर है और 6500 अदर नागरिक है जो सम्मानित किए जाएंगे। इस सामाजिक समारोह के अंदर जो है इसने जो है सभी को, जो छात्र है उनको हम जो है एक स्मार्ट वॉच सब छात्रों को दी जाएगी। उनके जो माता पिता या जो भी अभिभावक साथ में होगा उनको एक एक शॉल, अच्छा वो शॉल उठाकर उनको सम्मानित किया जाएगा। और ऐसे ही जो है जो टीचर्स है उनको भी जो है सम्मानित किया जाएगा। जो बच्चे लड़के या लड़की 9th में या 10th 11th में टॉप 3 होंगे, उनके लिए रेंजर साइकिल है गैर वाली जो 20,000 रुपये की आई, वो इनाम दी जाएगी। और सभी का जो है भोजन के लिए प्रोग्राम है। इसमें जो है हमने 50 क्विंटल लड्डू यहाँ पर बनवाए हैं जो सभी को जो है खाने के लिए दिया जाएगा। सामाजिक संस्था जो है पर्यावरण के लिए भी बहुत काम कर चुकी है। पहले जो है सामाजिक सरोकार परिवार ने 45,000 पौधे विद गार्ड बुड्ढा खेड़ा लाठर और आसपास के जंगलों तक लगवाए। इसी तरह से जो है संस्था जो है काफ़ी 50 पुस्तकालय, ये ऐसा पहला ब्लॉक जुलाना ब्लॉक है जिसके अंदर इस संस्था ने पूरे हर गांव में सामाजिक सरोकार परिवार ने जो है पुस्तकालय खोले हैं, जो 50 पुस्तकालय है जिनमें पढ़ने के लिए पियोन से लगाएगा IAS तक की सभी हजारों बुक्स है, टेबल इन्वेंटर पंखे सब सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि गरीब से गरीब हर आदमी का बच्चा वहाँ पढ़ सके। और जुलाना ब्लॉक से बाहर भी अदर कुछ जो है हमने संस्था ने जो है ये खुले हैं लाइब्रेरी, जैसे भारत माता पुस्तकालय 44 नंबर जो है लुधाना है पिल्लू खेड़ा में, भारत माता पुस्तकालय 45 मुआना में है सफीदों में, भारत माता पुस्तकालय 46 राम राय है जींद में, भारत माता पुस्तकालय 47 गोविंदपुरा जींद में, भारत माता पुस्तकालय 48 बेहड़ा कला, और भारत माता 39 जो है भंबेवा जींद में, और जो है ये भारत माता 50 जो पुस्तकालय है वह है खेड़ा बाणा नारनौद में। तो 50 पुस्तकालय इन खोले गए हैं इनके, इसके लिए सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए। गुरु जी जैसे बात करें सामाजिक सरोकार परिवार संस्था की, तो इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर चल रही है संस्था? सामाजिक सरोकार संस्था का उद्देश्य है शिक्षा यानी पढ़ाई, दवाई यानी कोई भी गरीब आदमी अगर वो बीमार है या बेरोजगार, उसके लिए दवाई का इंतजाम करना। जैसे कि हमने जो है पीछे कोरोना टाइम में एक 5 लाख रुपए चादर बिछा कर इकट्ठे करके और वेंटिलेटर जुलाना CHC में लगवाया था, उसको जो है उसके साथ उसकी सभी मशीनें वहाँ पे डोनेट की थी। ऐसे ही हमने जो है जो पहले कोरोना काल में पूरे क्षेत्र में 1.5 लाख मास्क वितरित किए थे, जिसका बड़ा अच्छा असर रहा हर गांव में, हर गरीब आदमी जो मास्क खरीद नहीं सकता था उसको उपलब्ध कराए थे। तो जैसे बात करें इस कार्यक्रम को लेकर, क्या सभी जो वॉलेंटियर हैं उनकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं? हाँ, इस कार्यक्रम को लेकर के पहले से ही हमने जो है 500 वॉलेंटियर लगा चुके हैं इसमें, और जो है इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। आने जाने वाले सभी भाई बहनों को, माता बाप जो भी आएंगे सबको सम्मान के साथ जो है आदर से साल भेंट किए जाएंगे, बच्चों को
घड़ी वगैरह भेंट की जाएगी, जिस जो जिस योग्य है जिसका जहाँ पर नंबर आएगा वो भेंट किया जाएगा और सबको जो है प्रसाद वितरण किया जाएगा। और ख़ास करके सामाजिक सरोकार परिवार ने ये जो 9 तारीख का शक्ति संयोजन समारोह रखा, ये पूर्णिमा पे जो है वाल्मीकि जयंती पर रखा, ताकि सर्व समाज को हम पूरे समाज को साथ लेकर चल सकें। इसमें कोई ये ना समझे कि भाई ये किसी दूसरे समाज से कुछ नहीं, इसलिए जो है हमने वाल्मीकि जयंती पर विशेष करके रखा। इसमें जो है हमने 50 क्विंटल लड्डू प्रसाद के लिए बनाए हैं और सभी जितने भी आदमी जो है यहाँ पर जो छात्र आएंगे उनको इनविटेशन दिया गया। हाँ, सब छात्र छात्राओं को और शिक्षकों को सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिए गए।